सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम लोग एक सेल के बारे में देखेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, राइट। उससे पहले हम लोग बेसिक चीज़ देखते हैं, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल कैसे वर्क करता है। ये तो आप केमिस्ट्री में देखे होंगे, मैं आपको एक वीडियो से दिखा देता हूँ एक सेल कैसे वर्क करता है। लेट्स सी। सो आपके पास यहाँ पर एक कॉपर वेसल है, एक वेसल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है। एक आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा, एक कॉपर इलेक्ट्रोड रहेगा और एक जिंक इलेक्ट्रोड रहेगा। और हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगी। इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास क्या है, डाइल्यूट H2SO4 आपके पास इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर दिया गया, राइट। तो इधर वर्किंग क्या होता है इस चीज़ का, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का वर्किंग क्या होता है, देखो बताता हूँ। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इधर H2SO4 में इधर वर्किंग क्या होता है, यहाँ पर जिंक में से, जिंक आपके पास क्या करता है, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़कर, मैं आपको इधर स्क्रीन पे लिख कर बताता हूँ कि इसका वर्किंग क्या होगा। यहाँ पर जिंक क्या करता है, अपने दो पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर, यहाँ पर जिंक अपना दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर इधर आ जाता है, जिंक 2+ बनता है, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसमें आपके पास क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, H2+ H2SO4 है, तो इधर H+ SO4 2- इधर रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा। तो जिंक क्या करेगा, इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ एसोसिएट हो जाएगा इधर से निकलकर, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और जो प्लस है वो कॉपर, हाइड्रोजन जो भी है वो कॉपर के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो ये वाला टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, और ये वाला टर्मिनल आपके पास क्या बन जाएगा, जो जिंक वाला टर्मिनल आपके पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। ये आपके पास वर्किंग है किस चीज़ का, बैटरी सेल का। फिर जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, जब आप इसको एक एक्सटर्नल वायर के साथ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इधर नेगेटिव चार्ज तक आता है। लेट्स सी, यही वर्किंग होगा। देखो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नेगेटिव पोल बनता है, ये पॉजिटिव पोल बनता है। तो जब आपके पास यहाँ पर जिंक है, जिंक के पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर वो इधर से, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक 2+ है, यहाँ पर आ जाता है, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर कॉपर में फ्लो करता है। यही तो वर्किंग है आपके पास किस चीज़ का, बैटरी का। एग्जैक्टली इसी तरीके से वर्क करता है, देखो वही आपके पास तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर जिंक है, जिंक प्लस इधर आया, SO4 2-, इधर 2H+ चार्ज है, 2H+ चार्ज इधर आया, तो ये वाला टर्मिनल कॉपर टर्मिनल पॉजिटिव बना, जिंक टर्मिनल आपके पास क्या बना, नेगेटिव टर्मिनल बना। तो जब नेगेटिव, अब जब आप उसको एक्सटर्नल वायर के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। जस्ट सी द वीडियो। आगे हम लोग देखते हैं स्टोरी, ईएमएफ फिर क्या है, तो इसके बिहाइंड का फिजिक्स देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए, कोई भी बैटरी के अंदर आपके पास जो दो टर्मिनल रहते हैं, अभी तक बैटरी को मैंने किसी चीज़ से ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पर मान के चलो ये सिंपल वोल्टाइक सेल है, ये आपके पास कॉपर रॉड लिया हूँ, इस साइड में जिंक रॉड लिया हूँ, राइट। और यहाँ पर अंदर में हम लोगों ने सॉल्यूशन डाल दिया है H2SO4 का, H2SO4 का सॉल्यूशन डाल दिया है। तो एसिडिक सॉल्यूशन जब डाल देने से क्या होगा, रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। नाउ केमिकल रिएक्शन, ये वाला आपके पास क्या बनेगा, एनोड बनेगा, ये वाला आपके पास क्या बनेगा, कैथोड बनेगा ना। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे आपके पास क्या होगा, जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा
जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके का रिएक्शन बनेगा कैथोड पे। और फिर जिंक क्या करेगा, जिंक 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनके जिंक सल्फेट बनाएगा। ये रिएक्शन आपके पास कैथोड में होगा। तो जब आपके पास H प्लस बच जाएगा, H प्लस इज रिलीज्ड क्योंकि H प्लस हो जाएगा, रिएक्शन एट एनोड एनोड में रिएक्शन क्या होगा, एनोड में आपके पास जो कॉपर है वो उस जगह पे क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन वाला पार्ट उधर से रिलीज़ होगा। मतलब आपके पास एक प्रोटॉन है प्लस, क्योंकि H प्लस एक बचा हुआ है और वहाँ पर क्या है, कॉपर है, राइट। सो रिएक्शन एट एनोड में क्या होगा, कॉपर भी क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, Cu2 प्लस बन जाएगा प्लस दो इलेक्ट्रॉन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन हो जाएगा, टू हाइड्रोजन एच प्लस हाइड्रोजन प्लस टू इलेक्ट्रॉन बनकर H2 गैस बन के लिब्रेट हो जाएगा एनोड में। तो इसका मतलब है आपके पास ये जो रिएक्शन हुआ, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन आपके पास कि इधर आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गया और यहाँ पर आपके पास कॉपर प्लस टू मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर बन गया। तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बन जाता है अनटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, मतलब अनटिल और सेपरेशन ना हो। बिकॉज अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएंगे, मैंने अभी तक कुछ लगाया नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते जाएंगे। नाउ द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अब आपके पास जो और कोई सेपरेशन नहीं होगा, यहाँ पर जो चार्जेस बन गए हैं जो प्लस चार्ज है और ये और सेपरेशन नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है। अनलेस एंड अनटिल आप क्या करें, एक एक्सटर्नल सोर्स या वायर ना लगाएं, एक्सटर्नल वायर ना लगाएं, राइट। तो ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इन दोनों के बीच में, इसी को ही हम लोग बोलते हैं EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ योर क्वेश्चन मस्ट बी, सर ये तो फोर्स है, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोल देते हैं? तो पहले हम EMF का डेफिनेशन बोलेंगे। EMF इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग दैट चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सोर्स। मतलब आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। यहां पर आपने क्या किया, एक सेल दे दिया गया है, अभी आपके पास ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, अभी आपके पास इधर कुछ नहीं होगा, राइट। कुछ नहीं होगा मतलब अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, जैसे SO4 2 माइनस मान के चलो, यहाँ पर आपके पास SO4 2 माइनस, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये अभी कहीं मूव नहीं करेगा, ये इक्विलिब्रियम में है। अब SO4 2 माइनस आप बोलेंगे, सर यहाँ पर तो ये एक नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके ऊपर तो आपके पास फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेटली, बिकॉज आपके पास जो टर्मिनल्स हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं, ये कॉपर टर्मिनल और एक आपके पास आ जाता है जिंक टर्मिनल, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है,
तो ये जो SO4 2- है, SO4 2- जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, दिस इज फोर्स ड्यू टू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। सिंस SO4 2- मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर एक फोर्स एफ चाहिए होगा, राइट। तो आपके पास इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन एफ ई वैक्टर प्लस एफ एन वैक्टर इक्वल 0। नाउ ये वाला जो फोर्स है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसका जो दूसरा फोर्स लग रहा है, ये है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं, जो भी फोर्स है इसकी वजह से यहाँ पर SO4 2- मूव नहीं कर रहा है। पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एफ एन वैक्टर इक्वल्स ऑफ माइनस एफ ई वैक्टर एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हैं व्हेन सेल इज नॉट शॉर्ट सर्किटेड, और एक्सटर्नली कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस। मतलब आपने सेल को अभी तक डाला ही नहीं है। कंडीशन कैसा है? ये वाला कंडीशन का मतलब ऐसा ही है, सेल ऐसा है बस, अभी कुछ लगाया नहीं गया है। दो वायर बस सेल से निकला है, कुछ लगाया नहीं गया है, ना ही शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है, देखो शॉर्ट सर्किट का मतलब ऐसा होता है, शॉर्ट सर्किट अगर मैं कभी बोलता हूँ, इसका मतलब है दो सेल लिया, इसको बोलते शॉर्ट सर्किट, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को वायर से ज्वाइन कर दिया, राइट। और दूसरा जो कंडीशन है, एक्सटर्नली कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस, ये वाला कौन सा कनेक्ट कंडीशन है? ये वाला कंडीशन, ऐसा कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तभी सिचुएशन में आपके पास क्या आता है, एफ एन इक्वल्स एफ ई आता है, राइट। तो एक एफ ई है जो इसको कहाँ लेकर जाना चाहता है, इस प्लेट के ऊपर लेकर जाना चाहता है, कॉपर के पास फोर्स लगाना चाहता है, यहाँ पर कॉपर के पास लेकर आना चाहता है, और दूसरा है एफ एन जो इसको लेकर जाने नहीं दे रहा है। और इसका ओरिजिन कुछ भी हो, कहाँ से भी आया फोर्स, वो आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसके बिहाइंड की भी बहुत बड़ी स्टोरी है जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो फोर्स कहाँ से आया, ये एफ एन किस वजह से आया, वो आपको कुछ काम नहीं। पर ये एफ एन क्या करता है, बैलेंस करता है। कब? इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। मतलब ऐसा होता तो सारा का सारा डिसोसिएट हो जाता है। आप बोलेंगे सर बैलेंस क्यों करता है? अब देखो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ऐसा होता तो पूरा इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म हो जाता, सारा का सारा जिंक्स इसमें मिल जाता, तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखने को मिला है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाने के बाद आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ना ही जिंक और ना ही ये वाला जो रिएक्शन है, ना ही जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होता है, ना कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। मतलब ये रिएक्शन और होता ही नहीं, एट इक्विलिब्रियम ये रिएक्शन बंद हो जाता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, राइट। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आपके पास क्या होता है कि इसको एक रेजिस्टेंस से लगाते हैं, रेजिस्टेंस से लगाते हैं, जैसे मान के चलो ये बैटरी ये रहा, ये रहा कॉपर, ये रहा जिंक, और आप इसको आगे कनेक्ट किए हैं एक बल्ब से, तो आपके पास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बिकॉज यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे हो गए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हो गए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके जाएंगे, इधर से फ्लो करते हुए इधर हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एस्टेब्लिश्ड।
विल बी एस्टेब्लिश्ड अलोंग वायर, अलोंग वायर ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, विच विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वायर। ऐसा आपके पास यही रिजल्ट होगा, यही रिजल्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में वायर से। अब देखो जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो करने लगे, चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रोड्स विल डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिगेन टू डिक्रीज, मीन्स एज इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन चार्जेस। अब ये जब डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अब इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसको, Fn को अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्या करने के लिए, सल्फेट SO4 2- आयन को इधर लेकर आने के लिए जिंक के पास। SO4 2- आयन को कौन लेकर आया, Fn लेकर आया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज है तो अब आप बोल सकते हैं हेंस Fn बिकम्स ग्रेटर देन Fe, विच results in further continuation of reactions, chemical reactions, जो आपके पास हो रहा था, जो chemical reaction हो रहा था वो वापस से कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। बीच में बंद हो गया था, कब बंद हो गया था, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया था। अब जब क्या हो गया, जब आपने वायर से किया तब यहाँ पर चार्जेस कम हुए, इधर चार्जेस कम हो गए, जब चार्जेस कम हो गए तो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, Fn वाला तो कम नहीं हुआ, वो तो चेंज नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, इसको मूव करवाया और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वापस से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये ही जो रिएक्शन जो बंद हो गया था, रिएक्शन कैथोड और एनोड जो बंद हो गया था वो वापस से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर वापस से डिसोसिएशन होके वापस से प्लस और माइनस चार्ज वापस से इधर क्या होने लगे, बनने लगे। नाउ ये जो फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ, देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग दैट चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा अब यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज को लेकर गया, तो हम उसका उल्टा क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में लेके गए, ये उसका उल्टा है, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट के बारे में बोलते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज SO4 2- पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की वजह से तरफ आया है तो H प्लस भी, राइट, नेगेटिव से कहाँ पर आया है, पॉजिटिव में आया। तो वर्क डन, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में आके SO4 2- के साथ जिंक सल्फेट बना रहा है, हाइड्रोजन कॉपर के पास जाके इलेक्ट्रॉन लेके H2+ बना रहा है। मतलब अगर सल्फेट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ट्रैवल कर रहा है तो हाइड्रोजन भी तो नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवल कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वही तो लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग दैट चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सोर्स। ये जो फोर्स Fn वर्क किया है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो ये फोर्स नहीं है, इसकी यूनिट पोटेंशियल की यूनिट के साथ ही बराबर होती है, ये फोर्स नहीं है। तो EMF ऑफ अ सेल जो आपके पास क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ये जो फोर्स क्या करता है, वर्क करता है चार्जेस को क्या करने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में अंदर में ले जाने के लिए, ये जो डिसोसिएशन करके लेकर जाने के लिए ये जो वर्क करता है उसको बोलते हैं EMF ऑफ अ सेल। सब सेल का अपना अपना क्या होता है, EMF होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा EMF क्या बोलते हैं। वर्क डन, ये जो Fn फोर्स का वर्क डन है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं EMF ऑफ द सेल बोलते हैं। इसकी यूनिट पोटेंशियल की यूनिट के साथ ही क्या होती है, बराबर होती है।
तो अगर हम कोई भी सेल के बारे में बात करें, कोई भी सेल के बारे में बात करें, हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हर सेल का। तो आपके पास यहाँ पर अगर कोई भी एक सेल है, ये इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका और इसका ईएमएफ ई है, राइट। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इसका ईएमएफ क्या है, ई से इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर दो कंडीशन होता है। सबसे पहले हमारे पास इन ओपन सर्किट, अगर ओपन सर्किट में मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक पोटेंशियोमीटर लगा दूँ पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। ओपन सर्किट मतलब किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ और आपके पास इसका पोटेंशियल मेज़र करना चाहता हूँ। नाउ वी की वैल्यू किसके साथ बराबर आएगी, ई के साथ ही बराबर आएगी, बिकॉज देर इज़ नो करंट, कोई करंट है ही नहीं, कोई फ्लो ही नहीं करेगा। जितना इधर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ डेवलप हुआ वही रहेगा, क्योंकि कोई फ्लो करेगा। देखो आर क्यों, क्योंकि जब SO4 2 माइनस आयन है, सॉल्यूशन से मूव करेगा, सॉल्यूशन से मूव करेगा, सॉल्यूशन का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। जब ये इलेक्ट्रोलाइट से मूव करेगा, खुद का रेजिस्टेंस होता है, कॉलिजन करेगा, तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ एनर्जी की लॉस हो जाती है SO4 2 माइनस आयन। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस बोलते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब आपको जब ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट कंडीशन मतलब ये वाली कंडीशन जो मैं पहले बताया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब, अब वहाँ पर तो कुछ चीज़ फ्लो नहीं कर रहा है। जब कोई फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट है ही नहीं, जब कोई करंट है ही नहीं तो पोटेंशियल मीटर क्या बताएगा, सॉरी पोटेंशियोमीटर बोल रहा हूँ, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग बताएगा, जितना सेल का क्या है ईएमएफ है उतना ही बताएगा। बट अगर हम लोग कौन सा कंडीशन लें, इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, राइट। तो शॉर्ट सर्किट लो या कुछ भी लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, यहाँ पर ई है, शॉर्ट सर्किट लो या आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा लो, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैंने तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन लिया है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। अब जब शॉर्ट सर्किट किए हैं तो करंट आई डेफिनेटली डेवलप होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पॉइंट, वी कितना होगा टोटल, अब आप ये बात आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो आपको सिखा रहा हूँ ये तरीका। आपको ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, ए से लेकर बी के बीच में, राइट। जैसे सिखा रहा हूँ ध्यान से समझना, करंट जैसे फ्लो कर रहा है उधर प्लस माइनस का साइन डाल देंगे, राइट। तो ये वाला प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, डन। इस तरीके से फ्लो हो गया। अच्छा, तो यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो पहले ए से बी में हम लोग जाएंगे, इधर से घूम कर आए, ठीक है, इसको जंप किए इधर, इधर पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है आर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप, अगर करंट आई इससे जा रहा है तो आर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप इज़ आई आर, यही तो होगा। अगर आई करंट इससे जा रहा है तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई आर। अब देखो यहाँ पर कौन से साइड पे जाएंगे, जंप करके कौन से साइड पे है, नेगेटिव साइड में। याद करो किरचॉफ्स लूप लॉ, मैंने आपको बताया था नेगेटिव साइड में तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, राइट। फिर इधर से जंप करके इधर आया, इसको जंप किया कौन से साइड में, प्लस साइड में, प्लस ई। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में आया, जो पोटेंशियोमीटर रीडिंग बताएगा वो ई नहीं बताएगा, ई से कम रीडिंग बताएगा, ई माइनस आई आर। ये कौन सी कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, जहाँ पर बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और ये है डिस्चार्ज ऑफ बैटरी। ई माइनस आई आर वाला पार्ट आता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो आपको ये बात समझ में आया होगा, राइट। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है कि सर ये लूप वाला मेथड हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है, इसको करने का एक और तरीका भी है। आप हर जितना मतलब डिवाइसेस है उसके अक्रॉस का खाली नेम लिख दीजिए, ये ए है,
आप यहाँ पर अगर क्रॉस किए हैं, ई को क्रॉस किए हैं, ये पॉइंट का नाम बी तो हो गया सी, और फिर सी बी, तो आपको कुछ नहीं करना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, ऐसा है इस साइड पे, इस तरीके से लिख दिए। अच्छा, तो सबसे पहले वी ए माइनस वी सी लिखेंगे। अब देखो, अगर हम वी ए माइनस वी सी लिखेंगे तो कौन सा हाई पोटेंशियल पे है ये आपको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ई ए ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे और सी लो पोटेंशियल पे, तो इसको अगर आप क्रॉस करके इधर गए हैं तो इधर प्लस ई लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी ए माइनस वी सी विल बी प्लस ई। तो आई आर वी सी माइनस वी बी, सी लो पोटेंशियल में है और बी कौन से पोटेंशियल में, हाई पोटेंशियल में दिखाई दे रहा है। सी देखो, सी के टाइप में नेगेटिव साइन है और आर के साइड में पॉजिटिव साइन है, तो वी सी माइनस वी बी आई आर तो है, बिकॉज इसके अक्रॉस पर पोटेंशियल ड्रॉप आई आर है। प्लस आई आर लिखोगे कि माइनस आई आर लिखोगे, कैसे पता चलेगा, बिकॉज सी के साइड में नेगेटिव साइन है, बी के साइड में पॉजिटिव साइन है, मतलब सी लो पोटेंशियल और बी हाई पोटेंशियल, तो आप यहाँ पर प्लस आई आर नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, माइनस आई आर। ये दो तरीका है आप लिख सकते हैं, या तो आप किरचॉफ्स लूप लॉ से लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो पहला वाला बताया था यहाँ पर लूप लगा दिया था, पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ बी वैसे करके बता दिया था, या आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जिस तरीके से अभी बताया वैसे कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास डिस्चार्ज ऑफ बैटरी। नाउ अगर आप बैटरी को क्या करना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल, जैसे कि आप बैटरी को, कभी कभी सेल को आप रिचार्जेबल बैटरी होता है उसको चार्ज करते हैं, मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं, तो आप क्या करते हैं, ये है बैटरी जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, जिसको आप चार्ज करना चाहते हैं, और आपने इसको लगाया एक सोर्स से, वोल्टेज V है। नाउ अब आपके पास अगर पूछा गया कि जब आपके पास इस तरीके से लगाया गया तो V की वैल्यू क्या है ऊपर से, जब आपने इसको चार्जिंग पे लगाया, जैसे ही आपने इसको चार्जिंग पे लगाया करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, उल्टा फ्लो होगा। अब बोलेंगे सर कहाँ से कहाँ फ्लो करा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अब ऑब्वियसली बात है चार्जिंग पे लगा रहे हैं ये वाला बड़ा होगा, वी मस्ट बी ग्रेटर देन ई, तभी तो चार्ज होगा, तभी तो आप क्या कर सकता है, चार्जेस वी से ई में फ्लो करेंगे, वरना अगर ई हाई पोटेंशियल पे हुआ तो ई तो ऑलरेडी डिस्चार्ज है, ई को चार्ज करना चाहते हैं आप, ये वाली बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, जिसको चार्ज करना चाहते हैं वो तो लो पोटेंशियल पे रहेगा, और जो आपके पास चार्ज करने वाला सोर्स है वो हाई पोटेंशियल पे रहेगा, तो करंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, इधर से इधर ट्रैवल करेगा, और आपको निकालनी है वी की वैल्यू। अब आप चेक कर लो, वही पॉजिटिव लूप लॉ लगा लो, या जैसे आपको समझ में आता है वो कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, करंट ट्रैवल कर रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, अब लूप लॉ लगा लो, तो पहले हम लोग ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमेंगे तो पहले E को क्रॉस किया माइनस E, फिर इधर आई आर, आई करंट जा रहा होगा तो आई आर माइनस आई आर प्लस V इक्वल्स ज़ीरो, तो V इक्वल्स E माइनस E प्लस आई आर, ये होता है चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ बैटरी वाला पार्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। चार्जिंग ऑफ सेल में E प्लस आई आर V की वैल्यू होती है, और डिस्चार्जिंग में V की वैल्यू जो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है E माइनस आई आर होती है। ये आपके पास कंडीशन था, एंड इसको बोलते हैं EMF ऑफ द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट।